सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस आप लोग ठीक होंगे। और अभी जो है दोपहर हो रहा है। देखिए पार्क, पार्किंग फ़िलहाल कोई नहीं है, ओनली गैया है जो कि अभी थोड़ी देर बाहर निकली जाएगी, वो भी क्योंकि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं पार्क में, तो एनिमल्स वगैरह नहीं रहते हैं। और मैं इस टाइम पर जा रही हूँ कुछ ग्रोसरी की चीज़ें लेने, जो कि अभी घर पर लेफ्ट हो गई थी। अक्कू को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल मॉर्निंग में जा रहे हैं और नाइट में आ रहे हैं, जिस कारण से फिर उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, वरना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे अभी। और बस मैं भी निकल चुकी घर से। बाबू को जो है आज मैंने वैसे मम्मी को घर पर बुलाया है बाबू को संभालने के लिए, ताकि जो है मैं काम कर सकूँ बाहर का। अदरवाइज़ काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कैसे मैनेज करूँ, नहीं हो पा रहा था। आज मम्मी को मॉर्निंग में ही बोली थी आने के लिए, तभी जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे मम्मी आए हुए हैं और मम्मी जो है बाबू को मैनेज किए हैं। उसके बाद जो मैं निकल चुकी हूँ मार्केट की तरफ। बस देखते हैं किस टाइम तक जो है मैं फ्री हो पाऊँगी, क्योंकि मम्मी को भी जाना है घर पर, क्योंकि जैकी जो है बहुत परेशान करता है मम्मी को। तो बस मैं निकल गई मार्केट। A few minutes later. So guys, मैं जस्ट अभी आ रही हूँ घर, सारा सामान ले ली, जल्दी मिल गया, भीड़ वगैरह नहीं थी। इनफ हो गया, वेट हो गया इतने में ही बहुत ज़्यादा। और अब मैं आप लोग को मिलाती हूँ बिट्टू से। देखिए ये मेरा वेट कर रहा है। बिट्टू मम्मा का वेट कर रहे थे क्या? मम्मा का वेट कर रहे थे, मम्मा का वेट कर रहे थे क्या? कुछ बोल दो, कुछ बोल दो। नहीं बोलना, बस हंसना है, नहीं बोलना है कुछ। नहीं दुश्यम, ये 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 दुश्यम, हाँ ये दुश्यम। मैं तो नहीं लूँगी, मैं तो नहीं लूँगी, मैं तो नहीं लूँगी बेटा। सो गाइस जा रही हूँ चाय बनाने, मम्मी आई, 3 बज रहा है। सो गाइस जा रही हूँ चाय बनाने, भूख भी लगी हुई है काफ़ी तेज। बिट्टू को मम्मी संभाली, जब तक चाय पानी हो जाएगा। सो गाइस चाय मैंने रख दी थी, चाय बनने वाली है। देखिए उबाल आ गई है और मम्मी मेरे लिए क्या क्या लाई है ये देखिए। मम्मी को पता ना मैं जो है ना खाना खाने के बाद कुछ कुछ चीज़ें खाती रहती हूँ। तो ये देखिए ब्रेड लाई है, रस लाई है, कुरकुरा है, लेज है, बटर डिलाइट बिस्किट है, और ऑलमोस्ट जो है गुड डे बिस्किट है। और यहाँ देखिए ये तीखा नमकीन है, ये ड्राई फ्रूट के मतलब ड्राई फ्रूट के जो है भून के रखा हुआ, इससे मैं कभी कभी खाती रहती हूँ। ये भी गुड डे है, ये भी दूसरा नमकीन है। और यहाँ देखिए ये भी दूसरा मतलब ये आलू भजिया वाला नमकीन है। ये मेरे ऑलमोस्ट जो है खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहती है इस घर में। ऑलमोस्ट मैं जो हूँ एक सबसे बड़ा बच्चा हूँ जो खाना खाने के बाद कुछ कुछ खाता रहता हूँ। तो बस चाय मेरी बन गई है और अब मैं जा रही हूँ चाय निकालने। तुम सबको कल तक फिनिश कर देना है। वैसे भी मेरे से जलने वाले बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, उनका कहना है कि मैं इतनी मोटी क्यों हो रही हूँ। तो मैं चाहे जितनी भी मोटी हूँ अपने घर का चाय बन रही है। और ये रही मेरी बड़ी कप, इस कप के आगे कुछ भी नहीं। सो गाइस ये मेरी चाय है, ये मामा की चाय है। A few moments later. ये देखो गाइस ये रेडी हो गया मसाज करवाने के लिए। मसाज करवाना है बेटा को, नानी से मसाज करवाना है।
सो गाइस, मम्मी जा चुके हैं, थोड़ी देर हुआ मम्मी गई हैं और मैं इस नेट को पकड़ी हुई हूँ बिकॉज ऑफ, देखिए कहाँ यार ये मच्छर दिख रहा है क्या, ये देखिए गाइस, नहीं ये नहीं दिख रहा मच्छर शायद, हाँ ये देख सकते हैं इस रूम में ना बहुत ज़्यादा मच्छर है, इसलिए जो है ऑलमोस्ट नेट को मैंने मतलब पूरे दिन लगा के रखा था ताकि बाबू को जो एक भी मच्छर ना काटे। और इसकी स्लीपिंग पोजीशन देखिए कैसे बच्चा सो रहा है, ऐसे ही कंफर्टेबल है तो मैंने इसको ऐसे ही अभी सोने दिया, थोड़ी देर में जो मैं इसको चेंज कर दूँगी और अभी ये सो रहा है। और आज मेरी कमर दर्द होगी गाइस, और आज जो है मार्केटिंग करना है वेजिटेबल का भी, तो बस अब थोड़ी देर में ही करने जाऊँगी मैं, और अभी मैं जा रही हूँ वीडियोस वगैरह एडिट करने क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे बिल्कुल भी। बेटा भी सॉरी, इसको थोड़ी देर में पोजिशन चेंज कर दूँगी और बस अभी मैं जा रही हूँ कुछ वीडियोज़ एडिट करने। गाइस ऑलमोस्ट जो है शाम के 6 बजने को, 5:30 हो रहा है, 6 बजने वाला आधे घंटे के अंदर, तो उसका तो आगे जो है मैं आपको अपडेट करती हूँ क्या होने वाला है। फिलहाल तो इतनी ज़्यादा मच्छर परेशान कर रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, ये देखिए ये देखिए, अब DSLR तो है नहीं कि आपको पूरा क्लियर दिखेगा बट कर देता गाइस, पिट्टू सो रहा है, नेट लगा दी इसलिए स्लो बोल रही हूँ, और मेरा हाथ देखिए आठ हो गया है, बार बार रूम में आके चेक करना पड़ रहा है कहीं जगह तो नहीं है, थोड़ा डर लगा रहता है ना इसलिए। चलते किचन में बस देखती रहूँगी, अभी तो आपको नहीं आए हैं, बहुत लेट है अभी, उनको 9 बज गया है, लगता है आज 11 बजे तक आएंगे आपको, क्योंकि अभी कॉल किया था तो वो अभी ग्रेटर नोएडा थे और ग्रेटर नोएडा से जो है मेरे घर का डेस्टिनेशन है 3-4 घंटा तो ओनली ऑन मेट्रो से लगता है, तो बस 9 बज गया है, सोचा कि मैं आटा वाटा गूंथ के रख देती हूँ, अभी थोड़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसलिए अभी मतलब मैं गूंथ के रख देती हूँ आटा, सब्जी बन गई है, आटा गूंथ दे रही हूँ, आपको आएंगे तो रोटी बना लूँगी, तो बस डर भी लग रहा है यहाँ से जो है बार बार वहाँ पे चेक करना पड़ रहा है, बाबू को जाके देखना पड़ रहा है। सो गाइस, अभी जो है मैं खाना रेडी कर रही हूँ और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगी बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा नाइट हो जा रही है और अक्कू आएंगे तो बस खाना वाना बनाए कि हम लोग सो जाएंगे, तो इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।